हेलो दोस्तों, उपस्थित हूँ नई जानकारी के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम के बारे में। दोस्तों, ये क्रीम जली हुई त्वचा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। ये क्रीम एंटीबायोटिक की तरह भी काम करती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक करके इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। इसके अलावा दोस्तों, ये क्रीम सामान्य घाव को भरने के लिए भी इस्तेमाल में ली जाती है। ये घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करती है। लेकिन दोस्तों, सबसे प्रमुख रूप से डॉक्टर इस क्रीम को प्रेस्क्राइब करते हैं जली हुई त्वचा को ठीक करने के लिए। जैसे किसी लापरवाही के कारण बच्चे का हाथ वगैरह जल जाता है, या फिर किसी त्यौहार में पटाखे की वगैरह से भी जल जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस क्रीम को प्रेस्क्राइब किया जाता है। और दोस्तों, कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है जिनको भट्टी या फिर आग के पास बैठना पड़ता है, तो उसमें हाथ वगैरह जल जाता है, तो ये क्रीम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, खाना बनाते समय या फिर किसी भी कारण से स्किन अगर जल गई है, तो ये क्रीम उसको ख़राब होने से बचाती है। इस क्रीम को लगाने से जलने के कारण फफोले वगैरह नहीं होते हैं और इन्फेक्शन भी नहीं होता है। ये क्रीम जलन के एहसास को कम करके ठंडक पहुंचाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस क्रीम को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। जहां पर भी स्किन जली हुई है, उस प्रभावित हिस्से पर इस क्रीम को आपको लगा देना है। आप इसे उंगली की सहायता से भी लगा सकते हैं और किसी कॉटन कपड़े पर लेकर के भी लगा सकते हैं। लेकिन इस क्रीम को लगाने के बाद में आप उस प्रभावित हिस्से को खुला ही छोड़ दें, उसके ऊपर आप कोई पट्टी वगैरह ना करें। और दोस्तों, इस क्रीम को लगाने के बाद में आप अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धो लें, उससे नाक, मुंह या आंख को नहीं छुएं। वैसे दोस्तों, इस क्रीम को 2 सप्ताह तक लगाने की सलाह दी जाती है। अगर स्किन अधिक जली हुई है, तो डॉक्टर आपको इसे लंबे समय तक यूज करने की सलाह भी दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस क्रीम को लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वहाँ पर खुजली, जलन, स्किन के रंग में परिवर्तन, लाल चकते और स्किन पर दाने निकलने जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये साइड इफ़ेक्ट्स लंबे समय तक नहीं रहते हैं, इसका प्रभाव ख़त्म होते ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।